बहुत दुख की बात है। राज्य सरकार ने हमारे नामनी आसाम के लिए कुछ भी नहीं किया और उजनी आसाम में सारे मिनिस्टरों को एमएलए को सबको और रिलीफ भी दिया जा रहा है। क्या हमने पूछा 90% जगह में रिलीफ नहीं मिला, जिन लोगों को मिला एक दिन का, इतने आज 15-20 दिन से फ्लड हो गया, लोगों का घर बह गया, पानी से लोगों का घर बह गया, लोगों के लोग मर गए। आज भी 3 लोग मरे, अभी तक 75 लोग मरे थे, 80 हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें सरकार का बहुत लापरवाही है, सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। सर, आपने असम का जो फ्लड और इरेशन है ये लेकर सांसद ने बहुत बार बोले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट असम का फ्लड को नेशनल इशू बताने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं नए एमपी साहब गए, वो इस मामले में क्या करते हैं। हम उनसे आशा रखेंगे कि वो इसको नेशनल कैलेमिटी के हिसाब से उनका पावर भी, उनका जो अपोजिशन पोजिशन है आज बहुत मजबूत है। अगर वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो हमको उम्मीद है कि इसको नेशनल कैलेमिटी सर। वन लास्ट क्वेश्चन, बीजेपी ने दावा किया था इस बार 400 पार, कांग्रेस ने दावा किया था हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, लेकिन दोनों का दावा झूठ हो गया। तो लेकिन इंडिया गठबंधन बहुत ऊपर उठ गया है और बीजेपी 100 सीट नीचे आ गया, इसलिए भविष्य में बीजेपी बीजेपी हटाओ और देश बचाओ जो लोगों का नारा था, वो यहाँ हमारा शालमारा में भी काम आया, धुबड़ी में भी। ये रकीब उल हसन साहब का कोई जादू नहीं है, कौन रकीब उल हसन साहब को जानता है, यहाँ लोग अजमल को जानते हैं आज 20 साल से। इसलिए जो वोट मिला है वो उनकी कैपेसिटी में नहीं मिला, इंडिया गठबंधन की कैपेसिटी में मिला। उनको इंडिया गठबंधन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना ये कि मेरे वजह से मैं इतना बड़ा लीडर हूँ। इतना बड़ा लीडर होंगे वो शामागुड़ी में, धुबड़ी में नहीं थे। ऐसा देखा गया है कि रकीबुल हसन ने जिस तरह से रिलीफ देना चाहिए था उस तरह से दिया है, दिया ही नहीं है उस तरह से। क्या मतलब, शामागुड़ी में दे रहे क्योंकि उनको बेटे को इलेक्शन लड़ाना है। 2000 पैकेट उन्होंने वहाँ भेज दिया, पेपरों में आया है, सोशल मीडिया में आया है, और यहाँ अभी तक 20 पैकेट भी उन्होंने नहीं दिया। ये बड़े शर्म और लज्जा की बात है। वोट इतने लाखों लोगों का लिया उन्होंने, लोगों ने उनको झोली भर के वोट दिया और उन्होंने अभी तक उनको कटोरा भर के भी पानी नहीं दिया। सर, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, किस तरह लोग आपसे, लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत अच्छा पा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत शर्म की बात है कि नए जो एमपी है ये कुछ भी नहीं, खाली हाथ घूम रहे हैं और आए हैं तो उतरते भी नहीं है, नाव से डरते हैं। हम लोग तो पानी में पैदा हुए, पानी में रहते हैं, तैरना जानते हैं, हमें क्या डर है। हम कोई जैकेट पहन के नहीं आए, वो लोग आर्मी का जैकेट पहन के घबरा के उतरते नहीं है, पानी से हाथ हिलाते हैं, लोग भी उनको टाटा बाय बाय कह रहे हैं। ओके।